अधिकार है। और रमज़ान की अवधि में ही लाउडस्पीकर का सवाल खड़ा करना, यह भी एक गौरतलब है। साथ ही साथ भाई लाउडस्पीकर से ध्वनि नियंत्रण का जो पैमाना तय करने की बात लोग करते हैं, तो वो जो ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर में मठ में यह प्रचलन है, गांव गांव के अंदर में भजन कीर्तन की परंपरा है, राजनैतिक दल विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते हैं, तो ऐसे सवाल बेमानी हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है। मूल विषय यह है कि दिमाग से राजनैतिक प्रदूषण हटना चाहिए। ये बात अब बंद होनी चाहिए। किस बात का? ये लाउडस्पीकर विवाद कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। कोई औचित्य नहीं है भाई, हम चिंतित हैं कि बिहार को हर खेत तक पानी पहुंच जाए, तो महत्वपूर्ण विषय क्या है? बिहार आत्मनिर्भर बिहार बने ना, सात निश्चय पार्ट टू ना, ये लाउडस्पीकर का विवाद खड़ा करना, तो ये यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ब्रह्म मुहूर्त में जो परंपरा है गांव के अंदर में, क्या वहाँ पर अर्चना पूजा अर्चना नहीं होनी चाहिए, आरती नहीं होनी चाहिए? धार्मिक अनुष्ठान में प्रयोग होता है, कर्म कांड में उपयोग होता है, राजनैतिक दल अपने विभिन्न कार्यक्रमों में आयोजित करते हैं, इसलिए ये सवाल ही बेमानी है। लेकिन जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनको क्या देंगे? नहीं, हम तो केवल यही सलाह देंगे कि आत्मनिर्भर बिहार सात निश्चय पार्ट टू, जैसे हर घर तक बिजली पहुंचा दिया, हर खेत तक पानी पहुंचे, इसी कार्य योजना पर काम करना बेहतर होगा। नीरज जी, कुछ स्टेटों में पावर क्राइसिस चल रहा है कोयला के कारण। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को एक तरह से ट्रोल की भाषा में बोलते हैं कि मोदी जी, नेहरू जी ने आपको बोला है क्या कि पावर क्राइसिस के खिलाफ दोषी हैं? देखिए, अब इस ढंग की भाषा का मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ। महत्वपूर्ण विषय है कि देश के अंदर में जो कोयला खदान से उत्पन्न होने वाले कोयले, उसकी समस्या पैदा होती है, तो इसीलिए वैकल्पिक ऊर्जा पर भी काम कर रहा है। और बिहार तो उस दिशा में एक मॉडल स्टेट है कि हमने सरकारी भवनों में इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, उसकी निर्माण की प्रक्रिया हमने प्रारंभ कर दी है। इसलिए कोई भी मूलभूत संकट जब आए तो उसमें यह सापेक्ष नीति तय होनी चाहिए कि राजनैतिक आलोचना से बेहतर होगा कि वास्तविक आवश्यकता को हमेशा दृष्टिगत रखना चाहिए। राहुल गांधी क्यों ऐसा बोलते हैं? वो मुद्दा को डाइवर्ट, वो जाने उससे हमारा क्या लेना देना है।